हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग? हैप्पी फुल मून। चलिए देख लेते हैं इस फुल मून में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे प्यारे से गणेश जी का नाम लेके हम लोग की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। पहली बात जो है, इस फुल मून में आप लोगों को थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल जो है ना, वो बहुत ही हाई हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इमोशनल हो रहे हो। पास्ट में हुई कुछ चीज़ों को आप दोहरा रहे हो अपने मन में। तो आपको कहा जा रहा है कि जो पास्ट हो गया है उसको अपने दिमाग में फिर से रिस्टार्ट मत करें। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप कुछ चीज़ अपने लाइफ में पाना चाहते हो तो वहाँ पे कुछ चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। टाइम, मुझे यहाँ पे टाइम दिख रहा है, टाइम आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है टाइम का कुछ। तो सिंपल आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे टाइम आप शेड्यूल बनाइए, कब क्या करना है। कॉन्फिडेंस इज योर सक्सेस, की टू सक्सेस। ओके, कोई भी सिचुएशन अगर आपके अगेंस्ट है तो आपको कहा जा रहा है सामने वाले के ऊपर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सो आप ज़्यादा टेंशन मत लो। द एंड ऑफ ए टाइप टफ साइकिल अप्रोचेज। यहाँ पे जो भी लेसन थी ना आपकी, जो आप सीख चुके हो, आपको जो लेसन दिया जा रहा है वो आप सीख चुके हो, तो ये जो टफ साइकिल है ना वो एंड होने वाला है। हमारे साथ नेगेटिव सिचुएशन तब तक होता है जब तक हम उससे कुछ सीख नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे आपकी सीख की बहुत ज़रूरत है। होल्ड योर विजन। सी, आपको कहा जा रहा है यहाँ पे एनर्जी ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो होल्ड योर विजन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप बहुत, मैंने कहा ना यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। रेस्ट एंड रिपेयर की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। इस फुल मून में आप अपने अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है, जो भी पास्ट में हुई कोई सिचुएशंस है, उसको रिलीज़ कीजिए। अपने साथ थोड़ा बैठिए, मंदिर में जाना हो, मस्जिद में जाना हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, आप वहाँ जाइए एंड रिलीज़ कीजिए। आप सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस भी कर सकते हैं। आप दिन में 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो टैरोट से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है इस फुल मून में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे यहाँ पे बहुत ही बिग चेंजेस देखने को मिल रहा है। आई फील लाइक यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ही बिग चेंजेस है, या आपका प्लेस चेंज होने वाला है। यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे आपको सिटी चेंज होना, ऐसा लग रहा है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपका सिटी भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे हायर स्टडीज़ की वजह से भी सिटी चेंज हो रही है। एंड आपके लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन दोबारा आ रहा है, यस, दोबारा आ रहा है, जो बहुत दिनों से आपके टच में नहीं थे। ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 4 साल से ज़्यादा। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम में क्या डिसीशंस ले रहे हो, इस फुल मून के टाइम में क्या डिसीशंस ले रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा फिर से गौर करें। ठीक है, गुस्से में आके या इमोशनल होके कोई डिसीशन मत लीजिए। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, एज आपका इमोशंस, मैंने कहा कि आपका इमोशंस बहुत ही हाई एंड लो हो रहा है, तो सिंपल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है। आपको लग सकता है कि सामने वाला इंसान तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब रिएक्ट कर रहे हो, नॉट रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहाँ पे बहुत लोगों की रिश्ता तय हो रहा है, फाइनली आप लोग शादी कर रहे हो, शादी तय हो रहा है यहाँ पे, वाओ। हर्मिट की ऊर्जा है यहाँ पे, सिंपल, मैंने कहा ना यहाँ पे आपको
अपने दिन में 10 मिनट के लिए अपने साथ बैठिए और अपने आप को हील कीजिए, रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी इसीलिए आया कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ नॉलेज है जो आपको गेन करने की ज़रूरत है, वो सिर्फ आप अपने साथ ही कर सकते हो। जो चीज़ आपने एटमॉस्फेयर को दिया है, किसी इंसान को दिया है, वो चीज़ आपको वापस मिलेगी। तो क्या आप दे रहे हो सामने वाले इंसान को, वो इम्पॉर्टेंट है। क्या दे रहे हो? प्यार दे रहे हो तो प्यार रिटर्न में मिलेगा, अगर आप नफ़रत दे रहे हो तो नफ़रत रिटर्न में मिलेगा। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। वाओ, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे फैमिली है, डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे मैरिज है। आप लोग, बहुत लोगों की शादी यहाँ पे तय होने वाला है। सामने से इंसान आके आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको कहा जा रहा है, अब अगर आपके एरिया में डॉग्स है तो आप उनको खिला सकते हो। आपका जो भी पास्ट कर्म, मतलब बैड कर्माज है, वो थोड़ा थोड़ा रिलीज हो जाएगा। मतलब ये डॉगी को आप, यहाँ पे मुझे ये मैसेज भी रिसीव हो रहा है कि आपके घर में नया मेंबर आने वाला है जो कि डॉग है। वेरी नाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आपको कौन सी अफर्मेशंस करने की ज़रूरत है, किस चीज़ के ऊपर आपको ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है इस टाइम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, 5th चक्रा, एनर्जी सेंटर। ओके, आई एम एबल टू स्पीक एंड हियर द ट्रूथ। यहाँ पे मुझे थ्रोट चक्र के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको कहा जा रहा है कि थ्रोट चक्र के ऊपर काम करें, क्योंकि सच सुनना एंड सच बोलना हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशंस बन रहे हैं। ठीक है, आप अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम कीजिए। थैंक यू सो मच। 4th चक्र, हार्ट चक्र। वाओ, यहाँ पे हीलिंग की भी मैसेजेस है। मैंने कहा यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपका वो कहते हैं ना, दिल भारी है, बैठ गया है, मेरा दिल बहुत भारी है, दिल को हल्का करने की ज़रूरत है। माई हार्ट इज़ ओपन एंड आई गिव एंड रिसीव लव फ्रीली। मैंने यही मैसेज मैंने आपको कहा कि आप जो भी चीज़ एटमॉस्फेयर को दे रहे हो, दूसरे इंसान को दे रहे हो, वही चीज़ आप रिसीव कर रहे हो। आई गिव एंड रिसीव लव फ्रीली। कोई कंडीशन की वजह से आप लव नहीं कर रहे हो, अनकंडीशनल लव यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। गिविंग थैंक्स टू माई स्ट्रेंथ एफर्मेशन। वाओ, आई एम स्ट्रॉन्ग रूट लाइक अ मैजेस्टिक ट्री, आई एम स्टेडी एंड ग्राउंडेड। मैंने कहा ना यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। वेरी नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस है इस फुल मून में आप लोगों के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस है, आई एम टेलिंग यू। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल अफर्मेशंस है। आपका 5th चक्र, आपका थ्रोट चक्र के ऊपर एंड आपके हार्ट चक्र के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। सिंपल ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कहा जा रहा है। एंड आप जो इतने स्ट्रॉन्ग बने हो, इतना स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप डटे रहे अपने विजन के ऊपर, अपने फेथ के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर, तो आप उस स्ट्रेंथ कहाँ से आया, वो भी तो यूनिवर्स ही आपके अंदर भेज रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो करें। आई हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स लाइक मैजेस्टिक ट्री, आई एम स्टेडी एंड ग्राउंडेड। वाओ, ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखनी है, मैं डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।